आपका क्वेश्चन है, यश स्कोर 40 मार्क्स इन टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हैड 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच राइट आंसर एंड 2 मार्क्स हैड बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर्स, देन यश वुड हैव बीन स्कोर 50 मार्क्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर दैट इन द टेस्ट? दैट मीन्स आपका टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, वी हैव टू फाइंड आउट दैट। ठीक है ना? तो सपोज हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस है, इन दैट आपने क्या किया कि एक्स क्वेश्चंस को आपने करेक्ट किया एंड वाई क्वेश्चंस आपके गलत हो गए, है ना? तो यही होता है हमारा, कुछ क्वेश्चन सही होते हैं, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो देर आर करेक्ट क्वेश्चंस एंड करेक्ट आंसर्स, दोनों है, तो वी कैन गो फॉर करेक्ट आंसर्स एंड रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर्स एंड रॉन्ग आंसर्स। तो यश ने क्या किया कि सपोज उसने करेक्ट आंसर्स कुछ किए, दैट इज एक्स एक्स क्वेश्चंस। ठीक है ना? एंड वाई क्वेश्चंस उसने क्या किया, रॉन्ग कर दिए उसको। तो नाउ एज पर फर्स्ट स्टेटमेंट, इसका क्या है कि एवरी क्वेश्चंस में, करेक्ट क्वेश्चंस में या करेक्ट आंसर्स में ही विल गेट 3 मार्क्स, दैट मींस ही विल स्कोर 3 × x, है ना? तो ही विल स्कोर 3x प्लस, नाउ इन वाई आंसर्स में ही विल लूज 1 मार्क्स, दैट मींस माइनस वाई, इंस्टेड ऑफ वाई वी कैन गो फॉर माइनस वाई फॉर दैट, है ना? क्योंकि ही हैज टोल्ड लूज, तो इतने स्कोर किए उसमें से इसने लूज कितना किया, माइनस वाई, देन ही हैज स्कोर 40 मार्क्स। ठीक है ना? सेकेंड कंडीशन इज दैट अगर उसको दूसरी तरीके से मार्क्स दिया जाए तो एवरी करेक्ट आंसर्स में ही विल गेट 4 मार्क्स, तो दैट मीन्स 4 × x इज 4x एंड ही विल लूज 2 मार्क्स इन एवरी रॉन्ग आंसर्स, दैट मीन्स -2y, देन ही वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स। तो ये आपके दो इक्वेशंस हैं। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिसको एलिमिनेट कर रहे हैं उसके एलसीएम को हमको इक्वल करना है, दैट मींस वो दोनों को कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना है। तो वी विल एलिमिनेट वाई, है ना? तो ये देखो यहां पर वाई है, यहां 2y है, तो हमने क्या किया, ऊपर वाले को इंटू टू कर दिया, फर्स्ट को इंटू टू कर दिया, तो अब आपका क्या आ गया, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। तो ये दो इक्वेशन हो गए अभी आपके ना। तो अब हम इसको एलिमिनेट करेंगे, तो हमने एलिमिनेट किया ना, तो आप देखो दोनों माइनस में है, तो वी विल गो फॉर सब्ट्रैक्शन, है ना? सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन विल गेट चेंज, तो माइनस माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस। तो नाउ आप दोनों को करो, 4x माइनस 6x इज -2x, -2y प्लस 2y गेट कैंसल्ड, दैट इज इक्वल टू -80 प्लस 50 इज -30, तो माइनस एंड माइनस गेट कैंसल्ड, तो x कितना हो गया 30/2, दैट इज इक्वल टू 50, दैट मीन्स एक्स इज द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। तो 15 क्वेश्चंस उसने करेक्ट किए, ठीक है? तो और उसने रॉन्ग कितने किए, वी विल फाइंड आउट, दैट इज योर वाई। तो
तो x की वैल्यू वी विल पुट इन एनी वन। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाले में पुट कर दिया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। तो अब आपका क्या आ गया, देखो 3 इंटू एक्स इज 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। तो ये हो गया आपका 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। 45 को राइट में लेकर आ जाओ तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 45। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। माइनस एंड माइनस गेट कैंसल, तो वाई इज इक्वल टू 5। तो रॉन्ग आंसर्स कितने थे, 5। करेक्ट आंसर्स कितने थे, 15। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर। तो क्वेश्चंस कितने थे, टोटल क्वेश्चंस, टोटल आपके एक्स इज द करेक्ट उसने, तो दैट इज 15 प्लस 5 इज रॉन्ग, तो दैट इज इक्वल टू 20 क्वेश्चंस। तो देयर आर 20 क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन। ठीक है।